सब कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेक बूस्टर के बारे में। ये 4-7 गाड़ी है, इसको ब्रेक बूस्टर पर करना है, इसका पैडल हार्ड हो रहा है। आइए चलिए देखते हैं, इसका पैडल हार्ड हो रहा है। अब इसको चेक करते हैं कि हार्ड क्यों हो रहा है, प्रेशर निकल रहा है या कहीं से पाइपों में दिक्कत है या सर्वे की दिक्कत है। आइए चलिए देखते हैं। अब इसको पाइप को निकाल के देखते हैं। गाड़ी स्टार्ट है, प्रेशर चेक करें। पाइप का प्रेशर ठीक है, सर्वे का चेक करते हैं। इस ब्रेक बूस्टर में इसमें प्रेशर रुक नहीं रहा। अब इस सर्वे को ब्रेक बूस्टर खोल लिया है, अब इसको रिपेयर करेंगे। पहले इसकी नट को खोलेंगे। धीरे धीरे लगा के, धीरे धीरे दोस्तों चेक कर रही है, डायफ्राम का रबड़ फटा हुआ है। एक सुराख ये हो रखा है, ब्रेक यहाँ है, दूसरा सुराख गुड़ी।
दोस्तों हमारा पिस्टन बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। दोस्तों अभी सर्वे की सफाई करके दोबारा वापस आते हैं आपको जब फिटिंग करते हैं इसको। स्टार्ट। दोस्तों ये डायफ्राम रबड़ है, इसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं। रबड़ हमारा बिल्कुल सही है, अब इसको फिट कर रहे हैं। अब उसके बाद का सर्वे का लॉक लगाएंगे। इस सर्वे के लॉक को लगाने के लिए हम एक ग्लास का प्रयोग करेंगे। ये है वो ग्लास, ग्लास की मदद से रुक दो मिनट। चलो कर दे, हटा रहा हूँ। हल्का हल्का सा लॉक को हल्का हल्का बिठा देंगे। हमारा लॉक बिल्कुल अच्छे से बैठ गया है, बस स्टार्ट। दोस्तों इस पिस्टन को फिट करने वाले हैं, इसमें नहीं दिखा पा रहा, नहीं दिखा पा रहा, फिर भी इनको दिखा दो, बहुत कर लें। इस पिस्टन को इसमें सेट करें इस प्रकार से। ये हमारा पिस्टन फिट हो गया। पिस्टन के बाद इसका रुई, रुई के बाद से वो सब सही साफ आ रहा है देखो रुई। उसके बाद इसके लॉक को उसके बाद पिस्टन का लॉक जो पिस्टन को सेंटर करता है, उसके लॉक को इस प्रकार लगाएंगे। उसके बाद इसकी स्लीव, दोस्तों अब इसको हंडी के अंदर फिटिंग करेंगे। चल रहा है,
दिखाते रहिए। हेलो दिखा दी करा दोस्तों, ब्रेक बूस्टर की फिटिंग कर दी है। अब इसको ब्रेक मारे चेक करते हैं कि हमारा ब्रेक सही हुआ है कि नहीं। वाह मारो ना।